तीसरी गलती ये होती है कि हम किसी ऐसे इंसान से मशवरा कर बैठते हैं जो इल्म तो रखता है, समझ भी रखता है, लेकिन पुर उम्मीद नहीं होता, मायूसी का शिकार होता है। मायूस इंसान मुस्तकबिल में या कल पे यकीन नहीं रखता, या अच्छे के होने पे यकीन नहीं रखता। वो जो पॉजिटिव साइड है, ब्राइट साइड है, उसको नहीं देख पाता। तो ऐसे इंसान से मशवरा करते हुए होता यह है कि आप भी उल्टा मायूसी और नाउम्मीदी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान से मशवरा ना करें जो मायूसी का शिकार है, नाउम्मीदी का शिकार है, जो सिर्फ मनफी पहलू देखता है। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जो मनफी और मुस्बत दोनों को देख के एनालाइज करके आपको बताता है कि इसके क्या नफ़ा और क्या नुकसान है, फिर अलग चीज़ है। वो एक अपना एनालिसिस दे रहा है, अपना तजर्बा बता रहा है, जिसमें मनफी पहलू भी हैं, यानी मुस्बत के साथ मनफी है। लेकिन कुछ इंसान सिर्फ मनफी पहलू ही देख पाते हैं। और याद रखें, कभी भी ऐसे इंसान से मशवरा ना करें कि अगर उस इंसान के शोबे में आप होते और आप उस इंसान जैसा बनना ना चाहें। यानी सिर्फ ऐसे इंसानों के साथ ही मशवरा करें जिस शोबे के भी आप मशवरा जिस शोबे में भी आप मशवरा चाहते हैं। तो ऐसे इंसानों से ही मशवरा करें कि अगर आप उस शोबे में होते तो आप उस इंसान जैसा बनना चाहते। अस्सलाम वालेकुम।